हेलो एवरीवन, कैसा कहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आप पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट और उसके एटॉमिक नंबर को इजीली याद कर लोगे। तो ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल में विनो लेफ्ट कॉर्नर पे एस ब्लॉक है, राइट कॉर्नर पे पी ब्लॉक है, मिडल में डी ब्लॉक है, बॉटम में एफ ब्लॉक है, राइट। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को हम कैसे कैसे याद रखेंगे, एक तो 1 से 30 एलिमेंट हमें याद रखना ही है। सेकेंड थिंग, टॉप टू बॉटम डैट इज डाउन द ग्रुप एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे वो बताऊंगा। डी ब्लॉक वाले को लेफ्ट टू राइट कैसे याद रखेंगे एंड डाउन द ग्रुप वो भी हम देखेंगे, एंड एफ ब्लॉक वाले को कैसे याद रखेंगे और सबके एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 से 30 एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, सिंपल रफी सर के ट्रिक से। तो ध्यान से देखिए, मैंने 1 से 10 एलिमेंट का पहले एक ग्रुप बनाया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, राइट। ये सबको मालूम है। तो 1 से लेकर के 10 एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, सिंपल इस निमोनिक से। ध्यान से देखो, हेच से हाई, हेच ई से और एल आई से कंबाइन करके हेलो, बी से बेटा, बी से बहुत, सी से क्यूट, एन से नहीं, ओ से और, एफ से फालतू, एन ई से नखरे। तो राइमिंग वर्ड क्या हो गया, हाई हेलो बेटा, बहुत क्यूट नहीं और फालतू नखरे। तो आपको 1 से 10 एलिमेंट याद हो गया। सिमिलरली 11 to 20 एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे उसके सीरियल एटॉमिक नंबर से। तो एन ए से ना, एम जी से मांगो, ए एल से अल्लाह डैट मीन्स गॉड, एस आई से पी से पेप्सी, एस से सोडा, सी एल से कोल्ड ड्रिंक, ए आर से और, के से काजू, सी ए से कतली। तो सिंपल याद हो जाएगा निमोनिक्स क्या है, ना मांगो, अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। इसमें एक पॉइंट और है, जैसे पी से 15, पी से फास्फोरस, ऐसे कनेक्ट कर लेना, एस से सल्फर, एस से 16, तो थोड़ा हमारा काम इजी हो जाता है। तो ये 11 टू 20 को कैसे याद रखेंगे, वैसे ही 21 से 30 तक को कैसे याद रखेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। एस सी से सचिन, टी आई से तेंदुलकर, वी से वेरी, सी आर से क्रेजी, एम एन से मैन, एफ ई से फिर, सी ओ से कोई, एन आई से नया, सी यू से कप, जेडन से जीतेगा। तो निमोनिक्स क्या हो गया, ध्यान से देखो, सचिन, तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई, नया कप, जीतेगा। तो 1 से 30 एलिमेंट को आप कैसे याद रखेंगे, रफी सर ने आपको ट्रिक बता दिया है। नाउ डाउन द ग्रुप एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए सिंपल निमोनिक्स है। ग्रुप नंबर 1 के लिए ध्यान से देखो, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, या फिर हेलिना का रब से फरियाद, बहुत सारे हो सकते हैं, आप भी खुद का बना सकते हो। ओनली थिंग इज कि आपको याद होना चाहिए डाउन द ग्रुप। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको सोडियम के बारे में मालूम है तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का भी वही प्रॉपर्टीज होगा, इसलिए हमें डाउन द ग्रुप याद रखना है। ट्रेंड में ये बहुत काम आने वाला है। ग्रुप नंबर 2 वाले एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, बी से बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 को कैसे याद रखेंगे, ये वाले, स्कूटर, यामाहा, लाल, एक्टिवा, राइट। तो मैंने निमोनिक्स बना दिया है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 4 वाले को कैसे याद रखोगे, टी आई को आप रीड कर सकते हो, टी, तो टी ज़रा हाफ, राइट। मैंने यहाँ पे उसके निमोनिक्स और जो सिंबल है वो भी कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए ध्यान देना है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 5 को कैसे याद रखेंगे, वी से हो गया वो, एन बी से नोबॉल, टी ए से था, या फिर वो नवाब था, ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट 6 को कैसे याद रखेंगे, तो 6 ग्रुप वाले के लिए हो जाएगा, क्रोना, मौत वाला, या फिर कार, मोटर वाला, राइट। 7th ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, मन, तक, रे, राइट। 8th ग्रुप को आप कैसे याद रखोगे, फिर रुलाया उसे, एफ ई से फिर, आर यू से रुलाया, ओ एस उसे, या फिर अगर इसको पढ़ो तो फेरस, यू नो आयरन प्लस टू वाले को फेरस भी बोलते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग है बट वी कैन रीड फेरस, कनेक्शन होना चाहिए, राइट। 9th वाले को सी ओ से कौन, आर एच से रहेगा, आई आर से इधर, कौन रहेगा इधर, राइट। 10th वाले को एन आई से नहीं, पी डी से पढ़ोगे, पी टी से पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, या फिर नहीं पढ़ेगा पंडित, इस टाइप से बहुत सारा बना सकते हैं। 11th वाले को सी यू से क्यू, ए जी से आगे, ए यू से आऊँ, क्यों आगे आऊँ, क्वेश्चन मार्क। 12th वाले को कैसे याद रखोगे, जेड एन से जैन या जैनब, जो भी, कैनेडा, राइट, सी डी से, एच जी से होगा या होगी, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट ग्रुप नंबर 13 से 18 तक को कैसे रखेंगे याद, डाउन द ग्रुप। तो ध्यान से देखो, 13 के लिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला, राइट। तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर बाल गंगाधर इन तिलक, या फिर बाल गए इंडियन तेल से। देर आर सो मैनी, आपको जो इजी लगे। 14 ग्रुप के लिए आप कैसे याद रखोगे, कहे सीता जी, राइट, गॉडेस हैं तो रिस्पेक्ट, और सुनो प्रभु, या फिर काशी गंगे संत पार्वती, सारे रिवर्स के नेम हो गए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 15 ग्रुप के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, एन से न्यूज़, पी से पेपर, एस से आज, एस बी से सब, बी आई से बिकेंगे, न्यूज़ पेपर आज सब बिकेंगे, या फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। देर आर सो मैनी, आपको जो ईजी लगे। 16 को कैसे याद रखेंगे, ओल्ड स्टाइल से टेलीफोन, राइट। तो सिंपल हो गया, ओ से ओल्ड, एस से स्टाइल, एस ई से सेट, टी से टेली, पी ओ से फोन, तो मैंने कनेक्ट कर दिया, आप इजीली याद रख सकते हो। 17 को कैसे याद रखोगे, एफ से फादर, सी एल से कलेक्टर, बी आर से ब्रदर, आई से इंस्पेक्टर, अटेंशन। तो अभी से बात है, अगर किसी परिवार में फादर कलेक्टर हो, ब्रदर इंस्पेक्टर हो, तो आप जब जाओगे तो अटेंशन आपको रखना पड़ेगा, या फिर कल बिरयानी आई एट, ऐसे याद रख सकते हो, या फिर कल बाहर आई आंटी। देर आर सो मैनी, आपको जो इजी लगे। 18 को अगेन कैसे याद रख सकते हैं, एच ई से हीना, एन ई से नीना, ए आर से और, के आर से करीना, हीना नीना और करीना, जेनॉन और रेडॉन से जेरोक्स, राइट, और ओ माय गॉड, ओ जी से ओ माय गॉड। तो हीना नीना और करीना का जेरोक्स ओ माय गॉड, या फिर है नहीं अर्जुन करण जैसा रणवीर, ओ माय गॉड। देर आर सो मैनी, आपको जो इजी लगे। तो ये 1 to 18 ग्रुप एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, वो निमोनिक्स हमने आपको दे दिया है। नेक्स्ट 3D और 4D सीरीज एलिमेंट को आप लेफ्ट टू राइट कैसे याद रखेंगे, उसके लिए सिंपल निमोनिक्स है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा, SCTIVCRMNFECONICUNZN, राइट। तो ये आपको 21 to 30 पहले भी याद करा चुका हूँ, तो उससे हो जाएगा। सिमिलरली 4D सीरीज एलिमेंट को आप कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आगे कूद जाना, डैट मीन्स वाइस हो गया, यारी ZR से जरा, NB से निभाना, MO से मौत, TC से तक, RU से रुकावट, RS से राहों में, PD से पड़े तो, AG से आगे, CD से कूद जाना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 5D और 6D सीरीज एलिमेंट को कैसे आप याद रखोगे, तो वेरी सिंपल, ला हफ्ता वर्ना रे, उससे इधर पिटाई और होगी, LA से मैंने बना दिया ला, HF और TA दोनों को कंबाइन किया तो हफ्ता, W से वर्ना, RE से रे, OS से उससे, IR से इधर, PT से पिटाई, AU से और, HG से होगी। सिमिलरली अगर हम 6D सीरीज एलिमेंट की बात करें तो वेरी सिंपल, AC से अच्छा, RF से रफी सर, DB से दोबारा, SG से सॉन्ग, BS से भूलेंगे, HS से हंसो, MT से मत, हंसो मत, DS से दूसरा, RG से राग, CN से सुनो। तो वेरी सिंपल हो गया राइमिंग वर्ड, अच्छा रफी सर दोबारा सॉन्ग भूलेंगे, हंसो मत, दूसरा राग सुनो। तो नाउ अब हम बात करते हैं F ब्लॉक एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे। नेक्स्ट 4F सीरीज के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, राइट, यूरोप घूमने गए, ये एक राइमिंग वर्ड हो गया, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, ये दो पर्सन है, यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो गया और तुम अभी लौटो। तो वेरी सिंपल है, सी से सीता, PR से प्रसाद, ND से एंड, PM से पूनम, SM से शर्मा, EU से यूरोप, GD से घूमने गए, TB से तभी, DY से डायरिया, HO से हो गया, ER से और, TM से तुम, YB से अभी, LU से लौटो। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 5F सीरीज के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल, TH से थोड़े, PA से पहलवान, U उनसे, NP निपटेंगे। तो ये एक वर्ड हो गया, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, PU से पुराने, AM से आम, CM से कम, BK से बिकेंगे, CF से कैफे में, तो पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ES से इस बार, FM से FM, राइट, MD से मोदी जी, NO से नो, LR से लेक्चर, तो इस बार FM पे मोदी जी का नो लेक्चर। तो ये 3 राइमिंग वर्ड में हमने इसको कनेक्ट किया है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे,
पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, यू नो कैफे में वैसे भी आम नहीं मिलेगा, और इस बार एफएम पे मोदी जी का नो लेक्चर। तो इस तरीके से आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को हमने याद करा दिया। नाउ पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, उसके लिए सिंपल ट्रिक है, और ध्यान से देखें, ट्रिक का पॉइंट बहुत ईजी है। यू नो ध्यान से देखो, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट है, तो उसको ही मैंने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल 8 एलिमेंट है, वो यहाँ लिखा मैंने। थर्ड पीरियड में भी ध्यान से देखो तो 8 एलिमेंट है। उसके बाद अब फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में देखेंगे तो टोटल 18 एलिमेंट है, जिसको मैंने यहाँ लिखा। और सिक्स एंड सेवन पीरियड में 18 तो ये जो आपको दिख रहे हैं वो तो हैं ही, और ध्यान दें लैंथेनम के अंदर ये 14 है और एक्टिनियम के अंदर ये 14 है, तो टोटल सिक्स एंड सेवन पीरियड में 32 एलिमेंट है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। तो ये सिंपल आपको मालूम ही है, याद हो जाएगा इजीली। टू का मतलब इटसेल्फ वो बता रहा है कि हर नंबर दो बार आना चाहिए, 88, 18, 32, ये क्या हो गए, हर एक पीरियड में एलिमेंट के नंबर हैं। फर्स्ट पीरियड में दो, सेकंड थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ फिफ्थ में 18, सिक्स सेवन में 32। नाउ अब आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपल ये क्रॉस वाला गेम खेलना है, वेरी सिंपल। पहला कट मारा तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके सामने जो जो है नंबर वो लिख देना है, राइट। तो 88, 18, 32। नेक्स्ट वाले में दो कट आपने मारा, राइट, एक एक कट बढ़ाते जाना है, तो सामने में क्या है, 8, 18, 32। तीसरे वाले में तीन कट, तीन से आप याद रख सकते हैं, तीन कट, तो 18, 32, सामने में जो दिख रहा है वो लिख देना। फोर में फोर कट, तो आप ध्यान से देख लो, 18, 32, 32। ये कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर वो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का है तो आपको इस तरीके से उसके एटॉमिक नंबर में ये नंबर जोड़ना है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो ग्रुप टू का हो या 18 का, तो ये नंबर आपको ऐड करना है, 13 से लेकर के 17 तक, 13, 14, 15, 16, 17, तो आपको ये वाला नंबर उसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर वो ग्रुप नंबर सिर्फ 3 का है तो ये वाला नंबर ऐड करना है, और 4 से लेकर के 12, डैट मीन्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, तो ये नंबर जोड़ना है। एक एग्जांपल से समझते हैं, वेरी सिंपल वेरी इजी। जैसे हाइड्रोजन, तो सभी को मालूम है इसका एटॉमिक नंबर 1। अब उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 1 हो गया और फर्स्ट ग्रुप का हो गया। फर्स्ट ग्रुप में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, 1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, पहले कितना जोड़ना है 2, तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर यू नो 3। फिर उसके बाद कितना जोड़ना है, 8, तो 3 में 8 जोड़ोगे तो 11, फिर 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, फिर 19 में अब 18 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 37, फिर 18 जोड़ना है तो कितना, 55, राइट, फिर 32 तो कितना हो जाएगा, 87, और फिर 32 तो कितना हो जाएगा, 119। तो उस ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया। वैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्कैंडियम 21। हर ग्रुप का पहला एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, और डैट्स वेरी इजी, क्योंकि 1 से 30 तक हमने याद करा दिया है, तो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट आपको मालूम है। हर ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन है, जैसे फर्स्ट ग्रुप का ये है, सेकेंड का ये है, थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व, ये आपको सब याद करा दिया हूँ, और इधर से ये सारे, ध्यान दे 18 में ये है फर्स्ट एलिमेंट, तो सबको मालूम होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी आपको याद करा दिया हूँ। उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, उसके लिए ये टेबल है। जैसे स्कैंडियम, अब स्कैंडियम का हो गया 21, थर्ड ग्रुप का ये, तो थर्ड ग्रुप वाले में डायरेक्ट कितना जोड़ना है, ध्यान से देखो, डायरेक्ट अब आपको 18 जोड़ना है, तो 21 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39, डैट मीन्स ये टीडीएम का कितना हो जाएगा, 39, फिर कितना जोड़ना ध्यान से देखो, 18, तो आपको कितना हो जाएगा, लैंथेनम का 57, फिर कितना जोड़ना ध्यान से देखो, 32, तो डैट मीन्स कितना हो गया, 89, किसका, एक्टिनियम का। नेक्स्ट जिंक, डैट इज 30, राइट, तो ये कौन सा हो गया, 12th ग्रुप में, तो 4 से 12 वाले में डायरेक्ट कितना जोड़ना है, 18, तो 30 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 48, फिर कितना जोड़ना है, 32, तो कितना हो जाएगा ये, 80, राइट, इस तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली फ्लोरीन 9, तो फ्लोरीन जो हो गया वो आपको 17 ग्रुप का, इसमें आ गया 13, 2, 17 वाले में, तो पहले कितना जोड़ना है, 8, तो 9 में 8 जोड़ोगे तो 17, फिर उसके बाद कितना जोड़ना है, 18, तो 35, फिर कितना जोड़ना है, 18, तो कितना, 53, फिर कितना जोड़ना है, 32, तो कितना हो जाएगा, 85,
और फिर कितना जोड़ना है 32, तो कितना हो जाएगा 117। तो देखो उस ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो गया। वैसे ही Hg तो ये ग्रुप नंबर 2 का हो गया, या फिर ग्रुप नंबर 18 का, सेम ही है। तो बाय द वे ये ग्रुप नंबर 18 का है, तो राइट, तो 2 में पहले कितना जोड़ना पड़ेगा 8, तो कितना जाएगा 10, फिर 8 18, फिर 18 तो 36, फिर 18 तो 54, फिर 32 तो 86, फिर 32 तो 118। तो आप देख सकते हो आपको हर ग्रुप का पहला एलिमेंट मालूम है, उसका एटॉमिक नंबर मालूम है, उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप सिंपल स्ट्रिक से कर सकते हो। और एक पॉइंट ये कि विनो की जो एफ ब्लॉक वाले हैं ये फिक्स ही हैं, राइट, तो सी जो है वो 58 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान देना, और 58 से स्टार्ट होगा और एंड कितने पे होगा 71 पे, 58 59 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये जो है 89 है, ये 90 से स्टार्ट होगा, 89 तो खुद एक्टिनियम है, 90 से स्टार्ट होगा और ये 103 पे एंड होंगे। तो इसका तो फिक्स हो गया 58 से 71 में ये एफ ब्लॉक वाले हैं, 90 से 103 में एफ ब्लॉक वाले, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का आपको ट्रिक दे दियो। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। जो ग्रुप नंबर 1 है एस ब्लॉक वाला, उसको बोलते हैं अल्काली मेटल, बट उसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा, ध्यान देना, लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक उसको बोलते हैं अल्काली मेटल। वैसे ही ग्रुप नंबर 2 जो है उसमें बेरिलियम को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ध्यान दे, बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं आता, इस पॉइंट का ध्यान रखना। वैसे ही ग्रुप नंबर 15 उसको बोलते हैं निकोजेन, पी साइलेंट है, और ये क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजर में यूज होते हैं, राइट, आपने नाम सुना होगा NPK। वैसे ग्रुप नंबर 16 उसको बोलते हैं चालकोजेन, क्यों, क्योंकि इसके ओर होते हैं, ऑक्साइड या सल्फाइड ओर, राइट। ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन के नाम से जानते हैं क्योंकि सॉल्ट बनते हैं, जैसे NaCl, राइट। ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस, एनर्ट गैस या जीरो ग्रुप बोलते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान दें, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 11 तक, 3 से लेकर के 11 तक वाले को ट्रांजिशन बोलते हैं, डैट मीन्स ग्रुप नंबर 12 ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है उसका डी ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल्ड है, चाहे उसके मेटेलिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में, इसलिए उसको ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं। बट वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 12 आएंगे बट ट्रांजिशन में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये जो एफ ब्लॉक वाले हैं वो ट्रांजिशन के अंदर हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। ध्यान दे, ये जो 4F वाले हैं, चूंकि ये लैंथेनम के अंदर है तो लैंथेनोइड सीरीज बोलते हैं, और ये जो 5F वाले हैं वो एक्टिनियम के अंदर है तो एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। वैसे ही ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13 to 17, इसमें जो एलिमेंट है ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया, 1, 2 और 13 to 17, इस वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये एक तरह से पीरियोडिक टेबल को जो आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको पहले ये दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसका बेस पॉइंट नीचे है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और कि जैसे ये बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, टेलीफोन, लाते, ये जो मैंने किया ये सब क्या है, टिपिकल मेटोलाइट आते हैं, तो इसके इधर वाले क्या होंगे, नॉन मेटल, और इसके नीचे वाले क्या होंगे, मेटल। तो ये सब ध्यान रखना, यू ऑलरेडी नो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में मैक्सिमम मेटल ही है, राइट, सिर्फ पी ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक विच कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइड, राइट। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं। थैंक यू।